हमीरपुर जनपद के राठ है कोतवाली इलाके के अकोना गांव में प्राइवेट लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। कोतवाली क्षेत्र के अकोना गांव में खंभे पर चढ़कर लाइन जोड़ रहा प्राइवेट कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया। परिजनों उसे लेकर सीएससी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने शटडाउन के बावजूद लाइट चालू करने का आरोप लगाया है। अकोना गांव निवासी जमील खां पुत्र जब्बार खां ने बताया कि उसका छोटा भाई मुस्तफा खां प्राइवेट लाइनमैन के तौर पर काम करता था। दोपहर गांव की खराब विद्युत लाइन जोड़ने के लिए पावर सब स्टेशन में शटडाउन लिया था। खंबे पर चढ़कर लाइन सही करते वक्त अचानक जोरदार करंट लगने से खंबे से नीचे गिरकर घायल हो गया। परिजन एम्बुलेंस की मदद से सीएससी लेकर गए, जहां डॉक्टर आलोक ने मृत घोषित कर दिया। ये जो करंट से आया है व्यक्ति, क्या है मामला? ये 30 वर्षीय पुरुष है, मुस्तफा नाम है। कोरोना बिजली का काम कर रहा था, जिसके दौरान कहते हैं कि क्या इसका इलाज हो पाया या मृत आया था? क्या घटना हो गई है? ये मेरा भाई लाइन में था, संविदा पे किसी ने लाइन खोल दी पावर हाउस से, इस वजह से उसकी मौत हो गई। किसके यहाँ काम कर रहा था ये? ये संबदा पे, ये वहाँ पास शायद क्या नाम है, कोई महाराज के इधर काम कर रहा था वहाँ पे ट्यूबवेल पे। आपको सूचना किसने दी? मुझे फोन आया मेरे चाचा के लड़के का। कब की घटना है ये? अभी की घटना है, ज़्यादा ज़्यादा 1-1.5 घंटे की है। क्या हुआ, डेथ हो गई आपकी? हाँ, डेथ हो गई। हमीरपुर से UP24 न्यूज़ के लिए विशेष संवाददाता सीतू सेंगर की रिपोर्ट।